पासवान जी, आप चूंकि राशन नीति की बात कर रहे हैं और आपके जिम्मेदारी जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग आपके जिम्मे है, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी मेरा ये कि क्योंकि राशन की जिम्मेदारी आपको है, ये दौर ऐसा इस वक्त आया है कि सब कुछ हर किसी की निगाह और जो मजदूर वर्ग है, मैं खासतौर से उसका जिक्र यहां पर करूंगी कि उनकी सीधी निगाहें आप लोगों पर थी कि यहां कोई भूखा ना सोए, इस मुश्किल की घड़ी में कोई इंसान भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेदारी थी। हालांकि आप दावे लगातार करते रहे कि हमने हर जगह पर उस जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन कुछ एक तस्वीरों पर अगर हम गौर करें, जो तस्वीरें इस दौरान आई वो कहीं ना कहीं दावों पर सवाल तो उठाती हैं सर। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि 5 किलो अनाज जो है ये सफिशियंट है, चूंकि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना था तो उस समय में भी राय थी कि इसको बढ़ाना क्या कहते हैं चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार सब लोगों की राय से लेकर के जो है वो इसको किया गया। जो नंबर्स था वो नंबर जो है उस समय में योजना आयोग था, नीति आयोग था, नीति आयोग ने तय किया था जी। तो अब इसमें जो उसमें ये भी लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि जो भी इसमें रिवीजन होगा वो रिवीजन जो है वो 2021 का जो जनगणना है उसके आधार पर ये कहते हैं कि होगा। तो हम 5 किलो अनाज इसलिए 5 किलो अनाज के बदले में जो है 5 किलो और फ्री कर दिया गया, ये समझ करके किया गया कि शायद 5 किलो अनाज जो है सफिशियंट क्या कहते हैं कि नहीं था, और फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उनके लिए भी 5 किलो और फ्री कर दिया गया उसी दृष्टिकोण से। हाँ, एक बात और है, कभी हमने जो हमारा जो एक्ट जो है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसमें हमने संशोधन किया है, और उस संशोधन हमने इसलिए किया है कि जैसा कि हमने आपको बतलाया कि हमारे पास में अनाज की कोई कमी नहीं है जी। आलू प्याज और टमाटर जो है हर 3 महीना जो होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये 3-4 महीना तक काफ़ी जो है परेशानी कंज्यूमर को क्या कहते हैं कि होता है, कंज्यूमर को ही नहीं होता है बल्कि जो किसान है उनको भी होता है। जहाँ पैदा होता है नासिक वगैरह में वहाँ देखेंगे तो क्या कहते हैं 10 रुपये 5 रुपये किलो प्याज मिलता है, और दिल्ली में जो कहते हैं कि या बड़े बड़े शहर में जो 50-60 रुपये मिलता है। इसलिए जबकि पैदावार में कहीं कमी नहीं है, इसलिए हमने उसको ओपन कर दिया है, और जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में था आवश्यक वस्तु अधिनियम में उससे हमने बाहर रखा है, लेकिन सरकार के पास में हमेशा ये हथियार है रहेगा कि जब कभी भी कोई जमाखोरी या कोई भी काम करेगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि हम इसको जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और फिर लागू भी कर सकते हैं। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.